बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। डियर व्यूअर्स, ये केमिस्ट्री का जनाब लाहौर बोर्ड का सेकंड टाइम का पेपर है, मारूजी। उसके बाद सब्जेक्टिव दिखाते हैं आपको, तो ये थोड़ा व्यू क्लियर नहीं है, माजरा से बहरहाल आपको नज़र आ जाएगा। पहले का ऑप्शन है जी एसिड्रीन रेन इफेक्ट, इसका है जी एलुमिनियम मेटल, डी ऑप्शन इज करेक्ट। दूसरा है, दूसरे का है इनसॉल्वेज प्रोसेस, ये आप देख लीजिएगा। आपका जो ऑप्शन है जी अमोनिया करने के लिए, यानी रिकवर अमोनिया, और सी थर्ड वाला जो है, यानी दूसरे का सी हो गया। थर्ड पे बात करते हैं, कोल हैविंग 90% कार्बन, इसका ऑप्शन है जनाब ये एंथ्रोसाइट, ये जनाब सी ऑप्शन इज करेक्ट। थर्ड एमसीक्यूज बात करते हैं जनाब, फोर्थ एमसीक्यूज की, फोर्थ है स्विमिंग पूल की सफाई के लिए गैस कौन सी होती है, क्लोरीन गैस होती है, पानी साफ करने के लिए भी वैसे यही इस्तेमाल होती है जी, सी ऑप्शन इज करेक्ट। पांचवा है जनाब आइडेंटिफाई दैट विच प्रोडक्ट इज़ यूज्ड एज अ जेट फ्यूल, तो ये जनाब ए वाला सही है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। उसके बाद है जनाब छठा डायनामिक इक्विलिब्रियम की हालत क्या होती है जनाब, तो ये द स्पीड ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन आर इक्वल होते हैं जनाब, सी इज करेक्ट ऑप्शन। सेवन्थ एमसीक्यूज में दर्द जल की रिवर्सिंग शुगर क्या है जनाब, रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है जनाब, तो ये ग्लूकोज ए होता है जनाब। आगे वो कहता है वन इज अ लीविस बेस, तो ये NH3, ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑफ एमसीक्यूज नंबर 8। सेवन्थ का भी है और आठवें का भी है, याद रखिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं जनाब एमसीक्यूज नंबर 9, कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे लिए नुकसानदेह क्यों है, क्योंकि ये हीमोग्लोबिन के ऑक्सीजन ले जाने की सलाहियत कम कर देती है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। दसवें एमसीक्यूज है जी अल्कलीन्स के साथ हाइड्रोजन का एड्स का रिएक्टिविटी की तरतीब क्या होती है, तो ये है जी ए ऑप्शन, आप देख लीजिएगा। आगे है सल्फ्यूरिक एसिड का कंजुगेट बेस है जी HSO4, डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑफ 11 एमसीक्यूज। 12th एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन है जनाब ये CZM, शायद सी बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव पेपर था लाहौर बोर्ड केमिस्ट्री का सेकेंड टाइम का, जो कि 10 अप्रैल को हुआ। अब हम बात करते हैं सब्जेक्टिव पेपर की, ये आपके सामने जनाब सब्जेक्टिव पेपर रहा, ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 के सारे, फिर 3 के आप इसको देख लीजिएगा जनाब, और 4th के शॉर्ट क्वेश्चन ये आपके सामने रहे जनाब, पढ़ लीजिएगा। और लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं, 5वां सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में क्या फ़र्क है, वैसे आगे डायनामिक इक्विलिब्रियम है ये, और ये छठा MCQs है इसी तरह, सॉरी छठा लॉन्ग क्वेश्चन, 7वां लॉन्ग क्वेश्चन। तो ये जनाब आपका सब्जेक्टिव पेपर था लाहौर बोर्ड का, उम्मीद करते हैं आपके लिए हेल्पफुल होगी। फर्स्ट टाइम का मैंने पहले अपलोड कर दिया था, ये सेकंड टाइम का है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाजमी लाइक कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन बताइएगा कि आपके MCQs में कितने मार्क्स हासिल किए। बेस्ट ऑफ लक जनाब, अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।